सो हेलो गाइस, स्वागत है वापस आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ कोरियन सीरीज किंगडम के सीजन 2 का। तो कल ही मैंने सीजन 1 का रिव्यू दिया था और बताया था कि मुझे सीजन 1 कैसा लगा था और सीजन 1 कैसा है। तो थोड़ा डिटेलिंग में देखा जाए तो सीजन 1 की बात करें तो सीजन 1 में जिस तरीके से स्टार्टिंग की जाती है इस सीरीज की, कि एक किंग है और उन्हें कुछ हुआ है और लोगों को, उनके जो प्रजा है उन्हें पता नहीं चलता कि आखिर किंग जिंदा भी है या मर गए हैं, और उनके बेटे यानी कि क्राउन प्रिंस को भी उनसे मिलने नहीं दिया जाता। और उसी का वो पता लगाने के लिए क्राउन प्रिंस अपने पर्सनल बॉडीगार्ड के साथ निकल पड़ते हैं कि आखिर उनके फादर को हुआ क्या है। और फिर उनका सामना एक ऐसे मॉन्स्टर से होता है जो कि सारे के सारे ज़ॉम्बीज हैं और वो लोगों पर अटैक कर रहे हैं, और उन्हें जिन पे वो अटैक कर रहे हैं उन्हें वो ज़ॉम्बीज में तब्दील कर दे रहे हैं। उनसे इनका सामना पड़ता है और फिर काफ़ी सारी चीज़ें हमें सीज़न 1 में पता चलती है, और ख़ासकर ज़ॉम्बीज के बारे में कि वो सिर्फ रात पे अटैक करते हैं और दिन जैसे ही सूरज निकलता है वो छुप जाते हैं और एक लाश बन जाते हैं, और रात में फिर वो ज़िंदा हो जाते हैं। और फिर पूरी स्टोरी जिस तरीके से दिखाई गई है सीज़न 1 में वो सच में कमाल की है। और सीज़न 1 में काफ़ी कुछ हमें पता चलता है कि जो क्राउन प्रिंस है उनके खिलाफ़ भी साजिश चल रही है महल में, और उन्हें यहाँ तक कि गद्दार भी घोषित कर दिया गया है और उन्हें पकड़ने के लिए भी भेजा जाता है काफ़ी सारे सैनिक्स को कि क्राउन प्रिंस को पकड़ा जाए। और फिर किस तरीके से जो उनसे भी सामना होता है, फिर ज़ॉम्बीज से भी सामना होता है उनका, और फिर जिस तरीके से एंडिंग आती है सीज़न 1 की, और एंडिंग के सीज़न 1 की जैसे जैसे एंडिंग आती है हमें पता चलता है किस तरीके से वो ज़ॉम्बीज से लड़ने का तरीका समझ चुके हैं। और जो सीज़न 1 के अंत में जिस तरीके से प्रिपरेशन दिखाई जाती है कि किस तरीके से ज़ॉम्बी से बचाव किया जाए जब वो आएंगे, जिस तरीके से प्रिपरेशन, वो सच में कमाल की होती है। जो डेवलपमेंट होती है वो सच में कमाल की होती है। और सीज़न 1 वहीं पे ख़त्म हो जाती है। एक सीज़न 1 में लास्ट में एक लाइन बोला जाता है कि इट्स नॉट द सन इट्स द टेम्परेचर, उसका काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी अच्छा मीनिंग भी वहाँ एक दे के उस सेंटेंस को देकर एंड कर दिया जाता है। और जिस तरीके से सीज़न 1 एंड होता है तो हमें और भी ज़्यादा एक्साइटेड रहता है कि सीज़न 2 आए। और फाइनली सीज़न 2 जब रिलीज़ की गई और सीज़न 2 मैंने देखी, सीज़न 2 सच में कमाल की है। और इसमें जो कैरेक्टर्स हैं उससे हम और भी ज़्यादा अटैच हो जाते हैं सीज़न 2 में। सीज़न 1 में हम उतने ज़्यादा कैरेक्टर से अटैच नहीं होते, हालांकि होते हैं, लेकिन जैसे सीज़न 2 आता है, सीज़न 2 देखने के बाद हम और भी ज़्यादा उन सारे कैरेक्टर्स से अटैच हो जाते हैं और हमें पता चलता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, कौन कैरेक्टर अच्छा है कौन कैरेक्टर बुरा है, वो हमें सीज़न 2 में काफ़ी बखूबी से और भी ज़्यादा गहराई से पता चल जाता है। और किस तरीके से एक बहुत भयानक डर्टी पॉलिटिक्स सीज़न 2 में हमें देखने को मिलती है वो सच में कमाल की है। काफ़ी गंदी पॉलिटिक्स हमें इसमें देखने को मिलती है, कुछ लोगों को देख के हमें गुस्सा भी आता है कि ये ऐसे करते हैं। और जिस तरीके से सीज़न 2 में दिखाया गया है कि अपने स्वार्थ के लिए वो राज्य के लोगों को बलिदान देते हैं, राज्य के लोगों का बलिदान देते हैं, उन निर्दोष लोगों का बलिदान देते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने बचाव के लिए, वो भी सीज़न 2 में हमें देखने को मिलती है। और किस तरीके से क्राउन प्रिंस के ऊपर भी साजिश की जाती है, एक दूसरे के ऊपर साजिश किया जाता है सिर्फ राजगद्दी के लिए, वो भी देखने को मिलती है। और फिर जिस तरीके से हमें पता चलता है कि जो ज़ॉम्बीज हैं वो दिन में भी अब हमला कर रहे हैं, रात में तो वो करते हैं लेकिन सीज़न 1 में जैसे कि हमें दिखाया था कि वो रात में सिर्फ हमला करते हैं दिन में गायब हो जाते हैं, लेकिन सीज़न 2 में वो दिन में भी हमला करते हैं। फिर इसकी और भी डिटेलिंग दी जाती है और जो लास्ट लाइन सीज़न 1 में बोला गया था वो यहाँ पे अप्लाई की जाती है कि वो सिर्फ जो गर्म टेम्परेचर है उनसे डरते हैं, और विंटर आ चुकी थी। और काफ़ी सारी बेहतरीन चीज़ें सीज़न 2 में दिखाई गई है। और सबसे बेस्ट पार्ट लगा मुझे एपिसोड 3 का वो इमोशनल सीन्स जहाँ
जहाँ क्राउन प्रिंस और उनके जो बॉडीगार्ड हैं उनके बीच की जो बॉन्डिंग दिखाई गई वो सच में कमाल की है, और वो सीन काफ़ी इमोशनल था, काफ़ी बेहतरीन था, और काफ़ी कुछ हमें इसमें देखने को मिलती है। और जिस तरीके से उन्हें इस सीज़न 2 में पता चलता है कि इसकी जो ओरिजिन है, जो जोम्बीज लोग बन रहे हैं, जो प्लेग से लोग मर रहे हैं, उनकी ओरिजिन कैसे हुई वो भी हमें सीज़न 2 में पता चलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। और जैसे ही सीज़न 2 का अंत आता है वो काफ़ी बेहतरीन एंडिंग होती है, और सीज़न 3 के लिए हमें और भी एक्साइट कर कर सीज़न 2 ख़त्म हो जाती है। और जिस तरीके से सीज़न 2 को एंड किया गया है, 6 एपिसोड में जिस तरीके से एंड किया गया है वो सच में कमाल का है, और एक परफेक्ट एंड किया गया है सीज़न 2 को। सीज़न 1 से लेकर सीज़न 2 को एक परफेक्ट एंडिंग दी गई है, लेकिन सीज़न 1 के लिए हमें एक अलग सी एक्साइटमेंट छोड़ के चली गई कि आखिर सीज़न 3 में हमें और भी कुछ नया चीज़ देखने को मिलेगी, नई बेहतरीन देखने को मिलेगी, नई कुछ देखने को मिलेगा, नया चीज़ और नए चेहरे भी हमें देखने को मिलेंगे सीज़न 3 में। और सीज़न 3 में जो स्टोरी हमें देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी कि आखिर वो जो पौधे से जो लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं वो पौधा आखिर आया कहाँ से। तो ये लाइन छोड़कर ये जो भाग है वो हमें दिखाकर ये सो एंड हो जाता है। तो अब वेट रहेगा इस मूवी के, इस सीरीज़ के सीज़न 3 का, जो कि मेरे ख्याल से अगले साल रिलीज़ की जाएगी इसके सीज़न 3 को। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और जिस तरीके से एंड किया गया है उससे तो और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है सीज़न 3 के लिए। तो काफ़ी बेहतरीन यह सीरीज़ है, अगर आप लोगों ने सीज़न 1 सीज़न 2 नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए किंगडम का सीज़न 1 एंड सीज़न 2। सीज़न 2 में जिस तरीके से और भी ज़्यादा आपको ये बांध के रखता है पूरी तरह से, वो सच में कमाल का है। तो काफ़ी बेहतरीन सीरीज़ है, और बिल्कुल भी मिस मत कीजिए इस सीरीज़ को, ज़रूर देखिए, क्योंकि आप इसे मिस करेंगे तो आप एक सबसे बेहतरीन सीरीज़ को मिस कर देंगे। तो ज़रूर देखिए इस सीरीज़ को, और अपना रिव्यू और कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कितना बेहतरीन लगा अगर आप लोगों ने इस सीरीज़ को देखा है। तो ये कुछ रिव्यूज़ हैं इस सीरीज़ को लेकर, तो अगर आप लोगों को बढ़िया लगा मेरा ये काम तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचे। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।